दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड खो गया है और आपको पैन नंबर नहीं पता है, जिस कारण से आपका नया पैन कार्ड नया कार्ड नहीं बन पा रहा है, इसके अलावा अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहेंगे, वह भी पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही, उसमें भी पैन नंबर मांगा जाता है, तो कैसे उन आप खोए हुए पैन कार्ड का पैन नंबर पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं जिस पोर्टल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वहाँ से आप इंस्टेंट ही पैन नंबर आपको मिल जाता है। अगर आपका पैन कार्ड यूटीआई से बना होगा, तुरंत ही आपको पैन नंबर मिल जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड एनएसटीएल से बना होगा, तो 5 से 10 मिनट में आपको पैन नंबर मिल जाता है। इसके अलावा उसका पीडीएफ भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसे आप खोए हुए पैन कार्ड का पैन नंबर पता करेंगे, आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। अगर आप खोए हुए पैन कार्ड का पैन नंबर निकालना चाहते हैं, तो आपको गूगल पर सर्च करना है फाइंड डॉट पैन सर्विस पोर्टल। इसके बाद आपको यहाँ पर find.penservicepotal.com इसी पर जो आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए find.penservicepotal ओपन हो गया है। यहाँ से जो आपको इंस्टेंट ही पैन कार्ड मिल जाता है, आप आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर पैन नंबर पता कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अगर पैन नंबर पता करना है, तो इंस्टेंट ही यहाँ पर देखिए इंस्टेंट ही आपको यूटीआई का पैन नंबर मिल जाता है। इसके अलावा एनएसडीएल का भी पैन नंबर मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आपको आईडी क्रिएट करनी है। अगर आप यहाँ से रिटेलर आईडी लेंगे, तो मात्र 21 रुपये में आपको रिटेलर आईडी मिल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी 151 रुपये में, जिसमें आप अनलिमिटेड रिटेलर जो फ्री में बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी मिल जाती है आपको 251 में, जिसमें आप अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बना सकते हैं। वाइट लेबल भी यहाँ से मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आईडी क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले आपको रिटेलर आईडी क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पर बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। तो बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो फिल करनी है, जैसे कि यहाँ पर नाम, चलिए मैं दिखा देता हूँ फॉर्म जो यहाँ पर खुला, जैसे कि यहाँ पर देखिए नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, कंपनी नेम, आप अपना नाम ही डाल सकते हैं। इसके बाद आधार नंबर, पैन नंबर, और यहाँ पर रिटेलर जो ना सिलेक्ट रहने देना है, रिटेलर को सिलेक्ट रहने देना है। इसके बाद चार्जेस कितना पे करना है, यहाँ पर आ गया है पेमेंट। इसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है, पे एंड रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा, मित्रा गेटवे आपको सिलेक्ट करना है। जब भी आप पेमेंट करेंगे, तो आपको यहाँ पर मिंत्रा गेटवे जो ना सिलेक्ट कर लेना है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने होगा मिंत्रा गेटवे, उसको आपको सिलेक्ट करके ओके करना है। उसके बाद आपके सामने क्यूआर कोड खोल करके आ जाएगा, और उसी पर आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपकी आईडी तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगी, और आपको ईमेल पर आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। अगर आपको आईडी पासवर्ड नहीं मिलता, तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यूज़र लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। यूज़र लॉगिन पर क्लिक करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए 20 रुपये पड़े हुए हैं। आपको एक पैन कार्ड पता करने के लिए 40 रुपये मिनिमम जो ना बैलेंस आपका होना चाहिए। यहाँ पर वॉलेट में 40 रुपये जो ना मिनिमम आपके वॉलेट में होना चाहिए, तभी आप यहाँ से पैन नंबर पता कर सकते हैं। ऐड मनी पर क्लिक करके आप पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पैन फाइंड नंबर, यूटीआई फाइंड नंबर, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपका यूटीआई, अगर आपको पता है कि आपका पैन कार्ड यूटीआई से बना है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, तो पैन फाइंड नंबर पर इस पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप एनएसडीएल का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको पता करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है पैन फाइंड सर्विस, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पैन फाइंड नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल जो ना फिल करनी है। यहाँ पर आपको डिटेल जो ना फिल करनी है, जैसे कि नाम हो गया, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, अमाउंट यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, और आपको सबमिट कर देना है। आपकी रिक्वेस्ट ना सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से इसी पर क्लिक करना है, और पैन हिस्ट्री यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पैन फाइंड हिस्ट्री, इस पर जो आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जितने भी ऑर्डर डालेंगे, सारे यहाँ पर जो ना रिक्वेस्ट आ जाएंगी, यहाँ पर सारी रिक्वेस्ट आ जाएगी। आपका ऑर्डर नंबर क्या है, यूज़र नेम,
नाम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर। यहाँ पर देखिए पैन नंबर का कॉलम दिया हुआ है, तो यही इसी कॉलम में आपको पैन नंबर अपना देखने को मिल जाएगा। रिमार्क और स्टेटस यहाँ पर देखिए कॉलम दिए हुए हैं, इसी में आपको पैन नंबर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए पैन नंबर जो आ चुके हैं, पिछली रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखिए पैन नंबर पूरा आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिमार्क एक्सेप्टेड और सक्सेसफुली स्टेटस में लिखा हुआ आएगा। अगर आपका पेंडिंग दिख रहा है तो 5-10 मिनट वेट करना है, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा आपको यहाँ पर पैन नंबर मिल जाएगा। तो इसी पैन नंबर को आपको कॉपी कर लेना। अगर आपका पैन कार्ड NSDL से बना है तो पैन PDF सर्विस इस पर क्लिक करना है, NSDL पैन डाउनलोड इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है। उसके बाद पैन कार्ड का PDF आपके सामने इंस्टेंट ही डाउनलोड हो जाता है। यहाँ पर पैन नंबर देना है, आधार नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, और एक PDF डाउनलोड करने का 50 रुपये यहाँ पर फीस है। उसके बाद सबमिट करना है, जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने PDF खुल करके आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप इस पोर्टल से स्टैंड तुरंत ही जो ना पैन नंबर पता कर सकते हैं, PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया एक पोर्टल है ये, फास्टेस्ट सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं और उनसे जो ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जानकारी जो ना पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।